हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फोटो सेल सेंसर का किस प्रकार से कनेक्शन होता है, कैसे इसको काम में लिया जा सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो पूरा डिटेल में देखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, उसके बाद में कोई भी सवाल सुझाव हो तो कॉमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का फोटो सेल सेंसर आता है, इसे डे नाइट सेंसर भी कहते हैं, यानी कि ये दिन में लाइट को ऑफ रखता है और जैसे ही रात होती है तो ये लाइट को ऑटोमेटिक ऑन कर देता है, यानी कि स्ट्रीट लाइट वगैरह में ये ज्यादा प्रयोग किया जाता है, या इससे आप कोई भी लोड चला सकते हैं जो रात में चलने वाला होता है। तो ये ऑटोमेटिक स्विच को आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऑन कर देगा और जैसे ही डे होता है ये ऑटोमेटिक लाइट को ऑफ कर देता है। इसमें तीन वायरें होती है, तो देखिए ये जो रेड कलर की वायर दिखाई दे रही है ये लोड की वायर है, यानी कि बल्ब या स्ट्रीट लाइट होती है उसके अंदर लगानी है, और न्यूट्रल आपका डायरेक्ट रहता है। ये और सेंसर को देने के लिए दो वायर दिखाई दे रही है, एक आपको ब्लू कलर की मिलेगी और एक ब्राउन कलर की है। ब्राउन कलर में आपको फेज वायर देना है और ब्लू आपकी न्यूट्रल की वायर है, इसको आपको न्यूट्रल दे देना है, कहीं से भी आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन का वायर लगते हैं और इसको लगाकर हम आपको दिखाते हैं और कैसे ये काम करता है ये भी हम इसी वीडियो में आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका कनेक्शन करते हैं और कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे आपको इसका कनेक्शन करना है। तो देखिए ये जो रेड कलर की वायर आपको दिखाई दे रही है इसमें आपको लोड का वायर जोड़ना है, इसमें आपको ब्राउन कलर जो है इसमें फेज और ये जो ब्लू कलर दिखाई दे रही है इसमें न्यूट्रल देना है। देखिए इस ब्राउन कलर में हम फेज का वायर देंगे और इसमें किसी भी वायर को कनेक्ट नहीं करना है, जो न्यूट्रल है ये कॉमन रहता है, यानी न्यूट्रल आप लाइट को कहीं से भी दे दे और इस सेंसर को कहीं से भी आप न्यूट्रल देते हैं, जो भी पास में वायर आया हुआ रहता है वहां से दे सकते हैं। तो देखिए इस बल्ब को इसके साथ कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए इसमें दो वायर निकले रहते हैं, यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइट हो उसमें दो ही वायर आपको मिलेंगे, एक अर्थिंग का भी मिलता है उसको आप कट कर सकते हैं, अर्थिंग की हुई है तो उसको अटैच कर सकते हैं, वरना आपका ग्रीन कलर का वायर होता है वो सेपरेट रहता है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, यानी कि अर्थिंग देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो काम करेगा। तो देखिए ये दो वायर निकले रहते हैं कोई भी लाइट से, इसका एक वायर लेना है इस न्यूट्रल वाले यानी कि ब्लू कलर के साथ में कनेक्ट कर देना है, तो दूसरा वायर लेना है इस बल्ब का और उसको आपको कनेक्ट करना है, जो रेड कलर आपका वायर आपको दिखाई दे रहा है सेंसर से उसके साथ कनेक्ट करना है। फिर ये बल्ब का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो ये देखिए रेड कलर का वायर है, इसके साथ हम जो बल्ब से फेज का वायर आया हुआ रहता है उसको कनेक्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ से लोड को कनेक्ट करना है। अब ब्राउन कलर का वायर जो है बच गया है, यानी एक वायर, इसमें हम इनपुट देंगे फेज का, जो जहाँ पर एल लिखा होता है यानी कि लाइट जो लिखा हुआ रहता है उसका इसमें कनेक्शन देंगे, यानी कि फेज का वायर इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दो वायर है ये लाइन से आए हुए हैं, यानी कि स्विच से भी आ सकते हैं, स्विच आप ऑन करके छोड़ दें तो ये ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। तो ये मान लीजिए आप में ब्लैक वाला न्यूट्रल का वायर है और ये फेज का वायर है जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, तो न्यूट्रल का है ये, इसको आपको इसके साथ में कॉमन कर सकते हैं, यानी कि इसको कहीं से भी अटैच कर सकते हैं बल्ब के साथ में। तो हम सेंसर बल्ब के साथ में ही लगाते हैं लगाएंगे, तो इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया है, यानी कि ब्राउन को सेपरेट आपको फेज का वायर देना है। देखिए येलो कलर का जो फेज का वायर है ये डायरेक्ट इसको ब्राउन कलर के वायर को हमने दे दिया है। अब इन सब पर टेप लगा देंगे, तो देखिए ब्लैक कलर के वायर यानी कि न्यूट्रल को कॉमन किया है, बल्ब को भी यहीं से न्यूट्रल दिया है, इस सेंसर को भी यहीं से न्यूट्रल दे दिया है, बस न्यूट्रल का काम इतना ही होता है, बस सेंसर को न्यूट्रल देना है, कहीं से भी आप दे सकते हो और बल्ब को आप कहीं से भी न्यूट्रल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और सेंसर बाहर खुले में आपको लगाना है ताकि डे और नाइट का पता लगा सके। तो देखिए इस प्रकार से कनेक्शन होता है, अब इस पर टेप वगैरह लगा दिया है हमने, और टेप लगाने के बाद में इसको काम कैसे करता है ये भी हम आपको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये ऑन ऑफ होता है। तो देखिए ये डे और नाइट को पहचानता है, यानी कि जैसे ही अंधेरा होता है आपका बल्ब ऑन कर देता है और जैसे ही रोशनी आती है ये तुरंत आपके बल्ब को ऑफ कर देता है, यानी कि ये लाइट से भी काम कर सकता है, यानी कि इसको लगाने का तरीका ये है कि जो भी स्ट्रेट लाइट लगाते हैं वो नीचे लगेगी और ये सेंसर ऊपर लगेगा। तो देखिए इस प्रकार से काम करता है, हम हाथ से इसको ढक लिए हैं तो ये ऑन कर दिया है, और जैसे ही हाथ हम हटाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। तो देखिए ये ऑटोमेटिक ऑफ हो गया है, तो इसी प्रकार से ये काम करता है, यानी कि
इसको लगाना है हमें लाइट के ऊपर, यानी कि लाइट के नीचे लगाएंगे तो लाइट ऑन होगी वापस बंद हो जाएगी, ऑन होगी वापस बंद हो जाएगी, ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस, तो लाइट आपकी खराब हो जाएगी। इसलिए लाइट को नीचे रखना है, सेंसर को ऊपर रखना है। यदि बल्ब लगा रहे हैं तो बल्ब की रोशनी चारों तरफ फैलती है, तो इसके नीचे आप कोई भी ऐसा पार्ट लगा दें जिससे बल्ब की रोशनी इस सेंसर पर ना जा और जो दिन की रोशनी है वो इसके ऊपर प्रॉपर आती रहे। इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दें, क्योंकि हम इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। कोई भी हाउस वायरिंग और सोलर पैनल से रिलेटेड जानकारी लेना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और किस चीज़ पर आगे का वीडियो आप चाहते हैं तुरंत आप बता सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद में आपको अगले पार्ट में मिलते हैं अन्य कोई वीडियो के साथ, और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।